गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम आज हम करेंगे फोर्टींथ ग्रुप फिफ्टींथ ग्रुप एंड ट्राई टू डू सिक्स ग्रुप तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए माई नेम इज अनु वशिष्ठ आई एम एन एम एस सी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली चौबीस साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और एक बात का ध्यान रखिएगा ये जो रैंक्स हैं ये मेरे स्टूडेंट्स की हैं मेरी रैंक्स नहीं है तो दीज आर नॉट माई रैंक्स बट द रैंक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स ठीक है जी चलिए नीट ट्वेंटी क्रैश कोर्स ये चल रहा है जिसके अंदर ये चल रहा है ऑन द चैनल नीट लाइव डेली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और हां लाइक जरूर कर दीजिएगा यहां पर लाइक करने में आजकल लोग बहुत ही आलसी हो गए 1.22 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हैं एंड वी हैव टू मेक इट 2 मिलियन सब्सक्राइबर क्वाइट फास्ट प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको एवी लाइव कोड के साथ मिलता है टेन डिस्काउंट कैन गेट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें मिलता है एवी लाइव कोड के साथ अगेन टेन परसेंट डिस्काउंट और प्लस के अंदर आपको मिलती है प्लस एक्सेस इंडिया स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ ऑन द अदर हैंड आइकॉनिक में आपको मिलता है प्लस के सारे के सारे बेनिफिट्स साथ में मिलता है पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटीरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड द टेस्ट एनालिसिस करना क्या है अन अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद जाइए नीट यूजी पर प्लस पर एंड यू विल गेट द ऑप्शन टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज एवी लाइव कोड यूज करके हर किसी पर टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है और किसी ने मुझसे पूछा था सर हम क्या इसको आई के लिए यूज कर सकते हैं एवी लाइव कोड को बेटा आप अन के किसी भी कोर्स के लिए चाहे वो सिविल का उसका म, UPSC का कोर्स हो चाहे कोई भी कोर्स हो आप किसी भी कोर्स के लिए आप इस एवी लाइव कोड को यूज कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्सेस ठीक है एंड यू कैन यूज द क्रेडिट्स जो आपको मिलते हैं स्पेशल क्लासेस और क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद अन अकेडमी ऑफिशियल अन अकेडमी नीट अंडर्स को ऑफिशियल इज द टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन करना है आपको क्योंकि इससे ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और आज की क्लास के नोट्स भी

दिस इज कॉन बनेगा टॉपर टो तो ये सारी के सारी क्लासेस है जिसमें से दिस वन दिस वन एंड दिस वन आर एपसोल्यूटली फ्री ये यूट्यूब और स्पेशल दोनों पर है ये स्पेशल पर है और ये यूट्यूब पर है तो एक यूट्यूब एक स्पेशल एक स्पेशल प्लस यूट्यूब फाइन तो जैसा आपको ठीक लगे कल की क्लासेस के अंदर भी है पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें सेवनटीन एटीन ग्रुप होगा संजीवनी बैच है एंड सिलेक्टेड टॉपिक्स है और रात को कौन बनेगा टॉपर तो ये हमारा एक नॉर्मल शेड्यूल है

Combat कहा जाता है जो हर हफ्ते 11 बजे संडे को होता है बक्स बाउंटी गलती बताइए इनाम पाइए दैट्स यू गेट सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वी स्टार्ट ओवर विद द ग्रुप फोर्टीन जब हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो वी हैव टॉक्ट अबाउट द लेड एंड टिन एंड वी हैड टू स्टार्ट विद जल्दी जल्दी है की बात करते हैं सिलिकन के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइसाइलाइल अमीन ट्राइ साइलाइल अमीन साइलाइल का तो मतलब क्या है इट इज एन एस आई एच थ्री थ्राइस दिस इज ट्राई सायलाइल अमीन जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमारे पास एक ट्राय साइलाइल अमीन है और एक हमारे पास ट्राय मिथाइल अमीन है दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन ट्रायसाइलाइल अमीन एंड वी हैव ट्राई मिथाइल अमीन सवाल यह आता है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा विच इज मोर बेसिक विच इज मोर एल्कलाइन द आंसर इज दैट ट्राई मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक नाउ वाई ट्राई मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक दैट इज यहां पे जब हम ट्राईसाइलाइल अमीन की बात करते हैं तो जो सिलिकन है सिलिकन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल दिस इज एम्प्टी d ऑर्बिटल एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एम टी ऑर्बिटल यहां पर एक पी पाए डी पाए बैक बॉन्डिंग हो जाती है और एस पी बॉन्डिंग की वजह से nitrogen का hybridization, sp3 की जगह sp2 हो जाता है और अराउंड नाइट्रोजन ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है अब ये lone pair, क्योंकि bonding के लिए अवेलेबल नहीं है इसलिए बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है तो दैट इज वॉट वी हैव एज बेसिक कैरेक्टर तो दैट इज वॉट वी हैव एज ट्राई साइलाइल अमीन नाउ वंस वी हैव ट्राई टॉक टॉक अबाउट ट्राइ let's talk about टॉक अबाउट called एग्जाम्पल कॉल्ड हम सिलिकॉन्स की बात करते हैं तो देखो एक बात का ध्यान रखना एस आई सी एल फोर इज मोस्ट ईजीली हाइड्रोलाइज अमंगस्ट सी सी एल फोर एस आई सी एल फोर जीई सी एल फोर SNCL4 and सी ठीक है इट इज द मोस्ट ईजीली हाइड्रोलाइज अमंग्स देन बहुत सबसे आसानी से यह हाइड्रोलाइज हो जाता है तो अब अगर हमारे पास एक स्पीशी है लड़स से हमारे पास है आर टू सी टी एल टू आर टू सी सी एल टू अगर हम इसको ओ एच माइनस के साथ ट्रीट कर देते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू आर टू सी ओ एच ट जो कि अनस्टेबल है विच रिलीजेज ऑफ वॉटर टू फॉर्म आर टू सी ओ नाउ दिस इज अ कीटोन दिस इज अटोन अगर हमारे पास है आर टू एस आई सी एल टू अगर इसको सिर्फ वॉटर के साथ बॉइल कर दिया जाए देन इन दैट केस दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू आर टू एस आई ओ एच है आर टू एस आई ओ एच ट्वाइस ये कंपाउंड इतनी आसानी से वाटर नहीं छोड़ता लेकिन अगर इसमें से वॉटर निकाला जाए तो इट मे फॉर्म इट मे अ स्पीशी आर टू एस आई ओ ठीक है कीटोन की तरह इस कंपाउंड को बोल दिया जाता है सिलिकॉन दिस कंपाउंड इज समाइम्स रेफर टू एज सिलिकॉन अब जो हम सिलिकॉन की बात कर अरे यार लाइक करो जल्दी जल्दी ठीक है चैट सेक्शन तो मैं देख ही रहा हूं एक बार लेकिन क्या करना है इसमें तो इसको ब्लॉक करो ना जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं सिंपली ब्लॉक सोच रहे नहीं सिद्धार्थ सिलीक अलग होता है सिलिकॉन अलग होता है सिलिकोन्स अलग, सिलिकोन अलग होता है नहीं श्रेया आपको क्यों ब्लॉक किया मैंने प्लीज श्रेया बातें बात करना किसी के साथ तो दैट्स व्हाट वी हैव सिलिकॉन बट एक बात का ध्यान रखना सिलिकॉन इज अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल दिस डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि सिलिकॉन पी पाई डी पाई एंड पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता सिलिकॉन पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्चुअली बनता क्या है एक्चुअली जब हम इसमें से एस्टू निकालते हैं तो ये सिलिकॉन नहीं बनाता ये एक पॉलीमर बना देता है इट फॉर्म्स अ पॉलीमर और इस पॉलीमर को हम क्या बोल देते हैं हम इसे बोल देते हैं सिलिकॉन पॉलीमर और सिंपली सिलिकॉन्स। एक बात silicone, का ध्यान रखना सिलिकॉन्स इज नॉट प्लूरल ऑफ सिलिकॉन। इट इज अ पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन। समझे ये सिलिकॉन का बहुवाचक नहीं है वो बहु वॉट एवर इट इज पॉलीमर है ठीक है सो दैट्स वी हैव एज क्लियर अब ये जो सिलिकॉन पॉलीमर हैं, इनकी बहुत सारी पॉजिटिव इनकी बहुत सारे बेनिफिशियल यूजेस हैं सबसे पहली बात है ये हीट रेजिस्टेंट है तो सिलिकॉन्स आर यूज्ड टू मेक बेकिंग ट्रेज दे आर यूज्ड टू मेक द गैसकेट दे आर यूज्ड टू मेक मेनी थिंग्स जहां पे ज्यादा टेम्परेचर और कार्बन जो कार्बन पॉलीमर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे दूसरी बात दे आर रेजिस्टेंट टू सोलवेंट्स तो ये सोल्वेंट के लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है सोल्वेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं करते इनर्ट हैं यहां तक कैन बी यूज एज इम्प्लांट इन द्यूमन बॉडी तो दे आर यूज मेनी मेनी प्लेसेस तो दैट्स वॉट वी है सिलीकोन्स नाउ अब सिलीकोन्स के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें हो सकती है अब जैसे कि हमारे पास है जनरली हम आर टू एस आई Cl2 लेते हैं जिसमें हमारे पास सी एच थ्री एस आई सी एल टू हो सकता है जब सी एच थ्री एस आई सी एल टू को यूज करते हैं तो इसे हाइड्रोलाइज जब किया जाता है तो दिस फॉर्म सी एच थ्री ट्वाइस एस आई ओ एच ट्वाइस ठीक है इसका हमारे पास पॉलीमर बन जाता है ओ एस आई CH3, CH3, O, Si, I, CH3, CH3, and so on. It gives us a linear polymer. Okay. अब यहां पर इसके अंदर अगर हम डाल दें सी एच थ्री So C H three S I C L three is going to give us C H three S I OH 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 And this actually is going to introduce Branching. CH3SiCl3 is going to introduce branching in the polymer. And if we talk about this, this is going to form, and which is going to actually. terminate the chain. This will actually terminate the chain. तो so, ये chain termination के लिए use हो जाएगा तो so, ध्यान रखना ये तीन चीजें हमारे पास है This is for the elongation of chain. तो so, यहां पर chain elongation के लिए ये use होगा Branching के लिए ये use होगा और ये टर्मिनेशन के लिए यूज होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आ चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ यूज फॉर ब्रांचिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ द चेन इन सिलिकॉन्स तो जस्ट याद करना ठीक है बेटा प्रधान जी प्रोपगेशन नहीं है ब्रांचिंग है ध्यान रखो इलोंगेशन और प्रॉपर्गेशन एक ही चीज है ठीक है इसे प्रॉपरगेशन भी कहते हैं ठीक है दिस इज फॉर ब्रांचिंग एंड दिस इज फॉर टर्मिनेशन सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इज दैट क्लियर माखन राजपूत बेटा फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा तो आई कांट हेल्प इट वो फिजिक्स से ही पूछो ना ओके सो दैट्स व्हाट वी हैव सिलिकॉन्स तो हम यहाँ पे इसमें सिलिकॉन जेल बना सकते हैं सिलिकॉन रबर बना सकते हैं सिलिकॉन प्लास्टिक्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ दी सब्सिस विच आर यूज नाउ लेट्स गेट अलॉन्ग विद समथिंग कॉल्ड सिलीकेट्स सिलिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो सिलिकेट्स के अंदर जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट हमारे पास है That is SiO4 दैट minus. That is the basic repeating unit of silicates. जब हम SiO4 फोर minus की बात करते हैं तो दैट इज वॉट एस Si यहाँ पर O है ये minus है यहाँ पर ये यह O minus है यहाँ पर ये यह O minus है यहाँ पर ये यह O minus है, है, है तो that's what we have as the silicates. अब इसको जब बनाया जाता है तो इसको ऊपर से व्यू किया जाता है और इसको

सिलिकेट दिस इज ऑर्थोसिलिकेट ना ऑर्थोसिलिकेट के साथ हमारे पास क्या हो सकता है हमारे पास ये हो सकता है कि दो यूनिट एक साथ जुड़ जाए जैसे कि हमारे पास है सिलिकन ये हमारे पास है ऑक्सीजन हेयर वी हैव सिलिकन देयर वी हैव ऑक्सीजन माइनस इट इज वॉट वी कॉल ऑक्सीजन माइनस यहां पर हमारे पास है ये ऑक्सीजन माइनस हेयर अगेन वी कुड है माइनस ओ माइनस है ये ओ माइनस है अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ब्रिज ऑक्सीजन है जो दोनों के बीच में है दिस इज न्यूट्रल ब्रिज ऑक्सीजन इज न्यूट्रल जबकि ये जितने भी टर्मिनल ऑक्सीजन हैं, जो शेयर्ड नहीं है उनके पास चार्ज है नाउ दिस इज अ स्पीशी अब इसको अगर ऐसे बनाना है इस टर्म्स में बनाना है तो इस टर्म्स में ये ऐसे बन जाएगा अगर हमारे पास ऐसी कोई स्पीशी है एम टू ओ सेवन एन माइनस तो दिस इज टर्म्ड एज पायरो एंड देन वी हैव एट पायरो एंड एट जैसे कि एस आई टू ओ सेवन टू माइनस इज टर्म्ड एज पायरो सिलिकेट वी हैव समथिंग लाइक पी टू ओ सेवन यहां पर सॉरी सिक्स माइनस है टू माइनस नहीं है एस आई टू ओ सेवन सिक्स माइनस दैट इज पायरोकेट पी टू ओ सेवन फोर माइनस दैट इज कॉल्ड पायरो पोसफेट अगर हमारे पास है एस टू ओ सेवन टू माइनस इसको ओलिएट भी बोलते हैं इसको ओलिएट बोल देते हैं वैसे तो लेकिन इसको पायरो बोलते हैं तो तो व्हाट वी हैव द सिलिकेट्स अब यहां पर अगर हम सिलिकेट्स की आगे की बात करें इफ यू टॉक अबाउट द फर्दर थिंग अगर हम इसकी आगे की बात करें तो हमारे पास सिलिकेट्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जैसे कि हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट्स बन सकते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा सिलिकेट बन सकता है ट्राई सिलिकेट यहां पे माइनस ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है, है अब देखो एक बात का ध्यान रखना जो शेयर्ड ऑक्सीजन उनके ऊपर चार्ज नहीं है इसका फॉर्मूला बन जाएगा एस आई थ्री ओ नाइन 6 minus so this is a trisilicate. then we could have something like this again now this is going to be a hexa silicate is 6 silicate unit here. This is going to be Si6O18, 12-. This is a hexasilicate, the cyclic silicates. Now, when we talk about hexasilicate, we have a very beautiful example of Bi3Al2Si6O18. Now, this is what we call as beryl. If it has chromium 3 plus impurity, then it becomes emerald. okay so that's what we have as the cyclic silicate ab cyclic silicate ke sath sath hamare paas chain silicates bhi ho sakte hai something like this ab yahan pe ye symmetric bhi ho sakta hai ye asymmetric bhi ho sakta hai it could be anything so these are what we have as the chain silicates ye single chain silicates hai हमारे पास double chain silicates भी हो सकते हैं, triple chain silicates भी हो सकते हैं. silicate is something like क्चर्ड एज वी लाइक तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो यहां पर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय टू का है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय टू का इसका वन का इसका वन का और एक सिलिकन है तो यहां पे हमारे पास ऐसा है ओ वन प्लस वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू इन दोनों के ऊपर माइनस और माइनस है तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज एस आई ओ थ्री टू माइनस एन किसी किसी किताब के अंदर इसको लिख दिया जाता है एस आई ओ थ्री यहां पर एन तो यहां पर टू एन माइनस ऐसे भी लिखा जा सकता है मच ऑफ डिफरेंस तो ये हमारे पास है चेन सिलीकेट लीनियर चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला सो दट इज वॉट वी हैव लीनियर चेन सिलीकेट जनरल फॉर्मूला लाइक करो भाई जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाओ तो दिस इज वॉट वी हैव लीनियर चेन सिलीकेट अब यहां पर हमारे पास शीट सिलिकेट भी हो सकते हैं वी कैन हैव समिंग लाइक शीट सिलिकेट जब शीट सिलिकेट्स की बात करते हैं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस कई बार नेचर के जो डिजाइन्स होते हैं वो हमारे मैन में डिजाइन से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बन जाते हैं क्या था शीत सिलिकेट शीत सिलिकेट के अंदर हम इस यूनिट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो यहां पर इट इज गोइंग टू बी एस आई एक तो एस SI आई है यहां पर एक ऑक्सीजन है कंप्लीट जो बीच वाला ऑक्सीजन है यह कंप्लीट ऑक्सीजन है बाकी जो तीन ऑक्सीजन है उनका वन बाय टू वन बाय टू और वन बाय टू का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वो दो यूनिट के साथ शेयर है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी एस आई ओ नेगेटिव एंड यहां पर इट इज टू पॉइंट फाइव तो नॉर्मली इसको लिख दिया जाता है एस आई टू ओ फाइव टू माइनस एन सो दैट इज गोइंग टू बी द जनरल फॉर्मूला फॉर अ शीत सिलिकेट दैट इज वॉट वी हैव एज द शीट सिलिकेट अब ये सारे के सारे शीट सिलिकेट्स को जब आपस में जोड़ा जाता है तो दे आर केपेबल ऑफ गिविंग थ्री डायमेंशनल सिलीकेट एंड द्री डायमेंशनल सिलिकेट आर टर्म्ड जियोलाइट्स ना जियोलाइट्स आर मॉलिक्यूलर सीव्स ये छननी की तरह से एक्ट करते हैं मॉलिकुलर लेवल पर दीज आर कैटायन और एनायन एक्सचेंजर्स एंड दीज आर शेप Selective catalyst ZSM five zeolite sieve molecular porosity five used to convert alcohol to gasoline. That is what we have as silicates, and that's what we have as silicon. Now to talk a little about carbon. Carbon. Carbon has three famous allotropes. Hai, really famous. One is what we call as diamond. That is the structure of diamond. Three-dimensional structure, diamond. Ka. Then we have something called graphite. लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बीच में है, स्लिपरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है एंड यूज एजेंट एंड के अंदर बारह हमारे पास पेंटागन है बीस हमारे पास हेग्जागन है पेंटागंस तो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं हेग्जागंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं

Purest allotrope as it does not have any dangling valencies. धान तो जी इसको इसीलिए बक्की बॉल्स कहा जाता है या फिर फुटबॉल इन भी कह देते हैं सो दैट इज वॉट वी हैव एज द ग्रुप थर्टीन एंड फोर्टीन एंड ये हमारे पास इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये बॉन्ड एंड थाल्पीज हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट

सो वी हैव टू बीच में अभी अटक गया था ये पीछे क्या गया सिलीकेट्स था हमारे पास ये फ्लोरिन है फ्लोरिन के बाद हमने बात की थी कार्बन के फाइबर्स की एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड देन वी हैव सिलिकाट एंड दिस इज सिलिकोन्स

These are the physical properties of these species. That's what we have as the melting points. And uh, the valency, covalent radius, down the group size is increasing. Coe confusion. Ionization energy down the group decreases and the subsequent ionization energies they always increase the electronegativity value decreases ele nitrogen is the most electronegative now we are going to talk about specifically nitrogen alag alag elements ki baat karte hain to chaliye sabse pehle hum baat karte hain nitrogen ki Talking about preparation of nitrogen, सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं मोनियम नाइट्राइट अमोनियम नाइट्राइट अगर अमोनियम नाइट्राइड को हीट कर दिया जाए तो यह डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस टू एच टू ओ तो अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज इज टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर तो दैट इज वन रिएक्शन दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास है वो है हमारे पास है सोडियम एजाइड या फिर हमारे पास है बेरियम एजाइड तो वी कैन हैव सोडियम और बेरियम एजाइड इनको अगर हीट कर दिया जाए या फिर इनको स्ट्राइक कर दिया जाए तो यह बड़े आराम से वेरी प्योर नाइट्रोजन हमें दे देते हैं नॉ दिस रिएक्शन इज यूज इन एयर बैग्स तो दिस रियक्शन इज यूज इन एयर बैग्स जो आपके गाड़ी के सेफ्टी एयर बैग्स होते हैं तो वो सेफ्टी एयर बैग्स आर इन्फ्लेटेड बाय दिस एकदम से ये इनफ्लेट कर देता है सौरभ तो कुमार आप स्पैम मत कीजिए दो लेर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज वैंड फोर्स और जो दो जो स्ट्रक्चर होता है तो दैट इज समथिंग लाइक डबल बॉन्ड पार्शल डबल बॉन्ड यार ये स्पैम क्यों करते हो एक बार सवाल पूछने के बाद इतनी बार क्यों पूछते हो आपस में बात करने वाले या पहले बता दिया करो मैं आपको आपस में बात करनी है तो मैं पहले ही ब्लॉक कर दूंगा जिससे कम से कम यह चैट पे स्पैम ना हो ठीक है निष्ठा अगर स्क्रीन ब्लर है तो उसका रीजन यह है कि आपने 144p पे चला रखा है मेक इट अ हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन क्लियर हो जाएगी बेटा इतनी बार बोलोगे तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा ब्लॉक करो इन सारे स्पैमर को बैलून में जो हवा भरी जाती है वो हाइड्रोजन होता है बेटा सोनल जो उड़ने वाले बैलून में वो नाइट्रोजन इस तरीके से नहीं भरा जाता ओके सो दैट्स वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इट क्लियर ग्रेट okay. सिया आज आप कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे हो दैट्स ग्रेट फाइन बेटा बचपन में आप गुब्बारे नहीं फुलाते थे और जब कोई फूक मार के गुब्बारा फुलाता तो उसमें एयर भरी जाती अलग से नाइट्रोजन नहीं भरी जाती चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के एक और प्रिपरेशन की हमारे पास एक और स्पीशी है एन एच फोर होल्ड टूआई सी आर टू ओ सेवन दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनियम डायक्रोमेट दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनियम डायक्रोमेट ठीक है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं सुनता देन इन दैट इतनी बार लिखने की जगह वाई डोंट यू कम ऑन टू द स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस में आ जाइए मैं हर हर कमेंट स्पेशल क्लास में पढ़ता हूं क्योंकि मेरी स्क्रीन के सामने ही कमेंट्स लिखे होते हैं यहां पर स्क्रीन यहां पर है कमेंट्स यहां पर है तो इस वजह से कमेंट्स मिस हो जाते हैं और स्पेशल क्लासेस में स्पैमर्स नहीं होते आप स्पेशल क्लासेस पे आ जाइए सारे के सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टेक द प्लस कोर्स वहां पे तो और भी अच्छा हो जाएगा बिल्कुल भी कुछ भी स्पैमिंग नहीं होती ठीक है तो दैट इज व्हाट वी हैव अमोनियम डायक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट कर दिया जाए या फिर इनफैक्ट इसको इग्नाइट कर दिया जाए तो दिस गिव्स अस नाइट्रोजन दिस गिव्स अस वाटर वेपर एंड अलॉन्ग विद इट इट ऑल्सो गिवस अर टू ओ थ्री नाउ दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज दॉल कैनो Experiment or it is also termed as chemical volcano so this is termed as volcano experiment this is termed as a chemical volcano and this is what we have as ammonium dichromate the nitrogen k laboratory method of preparation. Now we can go on with the industrial method of preparation. इंडस्ट्रियल मेथड्स में हमारे पास एक मिक्सर है वी हैव फोर टाइम्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है इन बाय वॉल्यूम दिस इज द रेशियो बाय वॉल्यूम इसको पास किया जाता है रेड हॉट कार्बन के ऊपर से कोयले के ऊपर से कोक के ऊपर से एट इट गिव फोर 4N2 प्लस <coughs> जिसमें से कार्बन मोनोक्साइड को हटा दिया जाता है और ये नाइट्रोजन बन जाता है क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस 4N2 और O2 इस मिक्सचर का स्पेसिफिक नाम क्या है दिस इज अ वेरी कॉमन मिक्सचर जिसे आप एक नाम दे सकते हो इसका क्या नाम है रजनीश जो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है उसको ब्लॉक करो और अपनी पढ़ाई करो बेटा प्रोड्यूसर गैस ये नहीं है प्रोड्यूसर गैस ये है इसे क्या कहते हैं राइट This mixture is called air. So this is the preparation of nitrogen from air. Clear? And this is what we have as a method of producer gas. method normally, that is the method from the fractional distillation of क्विड एयर दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टलेशन ऑफ लिक्विड एयर और फ्रैक्शनल डिस्टलेशन ऑफ लिक्विड एयर से आपको मिल क्या क्या मिल जाते हैं यू आर एबल टू गेट नाइट्रोजन यू आर गेबल टू गेट ऑक्सीजन एंड यू आर एबल टू गेट आर्गन तो फ्रैक्शनल डिस्टलेशन ऑफ लिक्विड एयर से आपको ये सारी के सारी चीजें मिल जाती हैं अच्छा एक बात का ध्यान रखना that nitrogen produced from air has a slightly higher density as compared to nitrogen from chemical methods. Why? Because there is an impurity of argon which gives a higher density. So this higher density is due to the presence of argon in nitrogen. Is that clear? Like jao. So that is what we have as the preparation of nitrogen, the synthetic, the laboratory and industrial method. Now we get along with the compounds of nitrogen. जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ शोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस फाइव तो हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं इन माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट टिल प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि अगर हम माइनस थ्री की बात करें तो इट इज अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स तो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड जितने भी हैं उसमें नाइट्रोजन की माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर माइनस टू की बात करें तो दैट कुड बी समथिंग लाइक एन एच टू एन एच टू दैट इज वॉट वी कॉल एज हाइड्राजीन अगर हम माइनस वन की बात करें तो दैट इज एन एच टू ओ एच दैट इज हाइड्रोक्सल अमीन How about minus 1 by 3 B o And that is what we have as NAN3. Yeah, fir HN3. That is azides. And this one is what we call as hydrazoic acid. And hydrozoic acid is the only acidic hydride of.

अब एक बात का ध्यान रखना दीज टू आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स इनफैक्ट हमारे पास तीन न्यूट्रल ऑक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दीज आर द थ्री न्यूट्रल ऑक्साइड्स उसके अलावा हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है देन वी कुड हैव समथिंग लाइक एन टू ओ थ्री वी कुड हैव एन ओ टू नाउ एन टू ओ थ्री इज प्लस थ्री We could have NO2, we could have N2O4, and that is what we have as plus 4. Ah, N2O3, yaniki NO2 minus, yaniki nitrites. Nitrites bhi plus 3 oxidation state of nitrogen hai. So that is what we have as plus 3 oxidation state of nitrogen. NO2, N2O4 is plus 4 oxidation state, and then we have N2O5.

क्या नहीं हो रहा शुभंकर सरकार लास्ट रिएक्शन कौन सा लास्ट रिएक्शन बेटा सिद्धान शर्मा विच लास्ट रिएक्शन व्हाट इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो मैंने आपको बताया है ना जब एटम एटम अपने जैसे आटम के साथ जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाती है इज इट क्लियर चलिए

Preparation: case. hoti hai? Preparation hoti hai. N2 plus 3H2 at a temperature from 400 to 450 degrees Celsius at a pressure of something like uh, 200 atmospheric pressure in presence of iron molybdenum catalyst. We get. NH3 removed by liquefaction हटाते चले जाते हैं अमोनिया को निकालते चले जाते हैं रिएक्शन में से अमोनिया बर्ड निकलता जाएगा प्रोडक्ट को रिमूव करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोज अमोनिया एंड दिस इज हेबर्स प्रोसेस किसी किसी किताब में हेबर्स बॉश प्रोसेस भी लिखा हुआ है दैट्स वॉट वी हैव एज हेबर्स प्रोसेस और देबर्स बॉश प्रोसेस तो दैट इज वॉट वी हैव एज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नॉ दिस इज दोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक Nitrogen fixation. This is the most important synthetic nitrogen fixation. So That's what we have as the preparation of ammonia. Ammonia is used many places. In nitrogen compounds, ammonia banaye jaate hai. So, that is the use of ammonia. Ammonia can be used in refrigeration also, but it is, of course, not used. अमोनिया को यूज किया जा सकता और पहले कभी अमोनिया को यूज किया गया था अमोनिया से हम बना सकते हैं और कंपाउंड जैसे कि हम बना सकते हैं 2NH3 को अगर हम NaOCl के साथ ट्रीट कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट एन एच टू एन एच टू प्लस एन ए सी एल प्लस एच टू ओ दिस इज द

इसके अंदर हमारे पास और भी कुछ आ जाते हैं रॉकेट प्रोपलेंट्स में एक हमारे पास आ जाता है NH2 टू दिस इज मोनो मिथाइल हाइड्राजीन विच इज वन ऑफ आ रॉकेट प्रोपलेंट एंड देन वी कैन हैव सी एच थ्री होल्ड टू एन एन एच टू दिस called short formula like the m m h and this is what we call as unsymmetric di methyl this is unsymmetric dimethyl hydrazine. ज अनसिमेट्रिक डायमिथाइल हाइड्रोजीन मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन है हमारे पास अनसिमेट्रिक डायमिथाइल हाइड्रोजीन है जिसे यू डी एम एच लिख दिया जाता है तो दैट इज अनसिमेट्रिक डायमिथाइल हाइड्रोजीन दैट इज कॉल्ड यू डी एम एच टेक्निकल एरर आ जाता है तो रीस्टार्ट करना पड़ जाता है तो दैट इज वॉट वी हैव एज एम एच तो दैट इज वॉट वी हैव एज हाइड्रोजीन देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अगर हम एन एच थ्री को लेकर और ज्यादा एन एल के साथ ट्रीट कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट एन एच थ्री ओ एच प्लस एन ए सी एल मोर ऑफ इट इज एबल टू गे सॉरी एन एच थ्री ओ एच नी एन एच टू एच तो दैट इज वॉट वी हैव एज हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्सिलमीन की बात करते हैं तो हाइड्रॉक्सिलमीन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज आ जाता है जैसे कि हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन को अगर हम एन एच टू ओ एच के साथ ट्रीट कर दें तो दिस इज साइक्लोहेक्साइल ऑक्साइन जो रीअरेंज करके बना देता है कैप्रोलैक्टम जो पॉलीमराइजेशन पर बना देता है जिसे हम बोलते हैं Nylon 6. Now, this is a polyamide and nylon 6. So, that is the use of hydroxyl amine, which is used in preparation of nylon 6. So, that is what we have as oxime. Now, talk about nitrous oxide ki, N2O. We NH4NO3. In dilute solution, mein केयरफुली हीट किया जाए तो दिस हैज ए कैपेसिटी टू फॉर्म एन टू ओ फर्दर अगर हम एच एन ओ थ्री डायल्यूट को जिंक से ट्रीट कर दें तो दैट ऑल्सो गिवस अस एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड अब नाइट्रोस ऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका स्ट्रक्चर नाइट्रोस ऑक्साइड के अंदर इसका स्ट्रक्चर इज दिस इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें ये नाइट्रोजन एस पी हाइब्रिडाइज है तो दैट इज वॉट वी हैव एज नाइट्रस ऑक्साइड अब नाइट्रस ऑक्साइड को यूज कहां किया जाता है एक बड़ी मजेदार सी बात बता देता हूं आपने शायद कुछ मूवीज देखी होंगे जिसमें नाइट्रो वर्ड यूज होता है नाइट्रो जिसे सुपर वो करते एकदम से एक्सलेट करने के लिए गाड़ी यूज कर लेते हैं नाइट्रो इसमें बड़ा सारा नाइट्रो है शायद बहुत सारी मूवीज है अब नाम नहीं ले रहा आपको पता ही होंगे वो सारी की सारी मूवीज विशाल पी बेटा हम सारे के सारे सेशंस ला सकते हैं लेकिन फिर आप यहां पर फिर से कर रहे हैं

फास्ट एंड फ्यूरियस में है ये अगर हम नॉस्क की बात करते हैं एन ओ एस दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम्स एन टू ओ एस सच इज द नॉन कंबस्टिबल नॉन सपोर्टर ऑफ कंबर्शन लेकिन अगर एन टू ओ को हीट कर दिया जाए तो दिस गिव्स अस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन Which which contains 33% of of oxygen, oxygen is almost double of the oxygen present in atmosphere. Near about 1.7 times है. तो इन पर अगर नाइट्रोस ऑक्साइड को as a ऑक्सीडाइजर यूज किया जाए इंटरनल कंबर्शन इंजन में तो हम फ्यूल का अमाउंट बढ़ा सकते हैं और वो है प्रिंसिपल नॉस सिस्टम का यानी कि नाइट्रोस ऑक्साइड को यूज किया जाता है एज अ Gas as a substance for the combustion internal combustion engine mein and that gives us the nitrous oxide systems. to ye hai hamare paas nitrous oxide. Then we have the other compounds of nitrogen nitric oxide. Nitric oxide भी हम बना सकते हैं by reacting this. और हमारे पास nitric oxide बनाने का दूसरा तरीका भी है. यहाँ पे हमारे पास N2 plus O2 है. अगर हमारे पास इसमें electric arc है, which gives us lightning Now this is synthetic. Now this is what we call as Bridics This is what we call as the Birkeland ide process. Now, Birkeland idea process is for the preparation of actually nitric acid. Now, this is natural abiotic nitrogen fixation. Natural abiotic nitrogen fixation. Now, this gets reacted with oxygen to form N-.

Is that clear? The remaining group 15, 16, 17, 18 we are going to do tomorrow. Nitrogen के बारे में हमारे पास ये काफी है. कल हम phosphorus की बात करेंगे. And we are going to talk about phosphorus, sulfur and oxygen. ठीक है? Phosphorus, sulfur, oxygen. काफी सारा चीजें करनी हैं कल हमें. Sir.

जिस पर आपको सारे की सारी स्पेशल और प्लस क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है classes, is, जिसे हम कहते हैं कौन बनेगा टॉपर रोज रोज रात को साढ़े दस बजे हमारी ये क्लास होती है कौन बनेगा टॉपर की एंड देन वी हैव आज का क्लास शेड्यूल आज के क्लास शेड्यूल में हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स संजीवनी बैच शाम को सात बजे सेलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन जो कि आज होने वाला है अगेन इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स और कौन बनेगा टॉपर पेपर नंबर रोज हमारा कौन बनेगा टॉपर का सेशन होता है कल का क्या क्लास शेड्यूल होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें ग्रुप 17 18 16 हम करने वाले हैं संजीवनी बैच हमारा चल ही रहा है 3:30 थर्टी पर सिलेक्टेड टॉपिक क्वेश्चंस भी होंगे और कौन बनेगा टॉपर भी होगा ये सुबह आठ बजे शाम को सात बजे रात को साढ़े दस बजे आर द फ्री क्लासेस जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है क्लियर संजीवनी बैच अगस्त फोर से स्टार्ट होता है यहां पे हमारे पास है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ट्वेल्थ की क्लास होती है मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को इलेवेंथ की क्लास होती है एंड वी हैव अंतिम युद्ध बैच जो चल रहा है ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई से और ये हैं जो बैचेज इलेवंथ को स्टार्ट हुए हैं ये हैं बैचेस जो फोर्थ अगस्त को स्टार्ट हुए हैं इन सभी बैचेस को स्टार्ट करने के लिए ज्वाइन करने के लिए यू कैन टेक द स्पेशल एडिशन ऑफर जिसमें ट्वेल्थ के साथ टू मंथ्स फ्री मिल रहा है ट्वेंटी फोर मंथ के साथ भी टू मंथ फ्री मिल रहा है यानी कि नीट ट्वेंटी और नीट ट्वेंटी तक अन अकेडमी के साथ की गारंटी यहां पर हमारे पास है अन अकेडमी आइकॉनिक अन अकेडमी स्टडी नोट्स के साथ

डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स पर सिंपल नंबर है जल्दी से याद हो जाएगा फटाफट -फड़ यूज कर लीजिए श्रेया प्लीज किसी का रिप्लाई मत दीजिए अदरवाइज यू आर गोइंग टू एंड अप ब्लॉक डोंट रिप्लाई टू एनी बडी अगर कोई जरा सा भी डिस्टर्ब करता है उसे ब्लॉक कर दीजिए इनफैक्ट अगर आपको मुझसे कोई डाउट नहीं पूछना तो चैट को ऑफ रखिए पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे लो ट्वेल्थ सितंबर को आपका एग्जाम है ये सारी की सारी चीजें इस समय आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है मैं मना नहीं कर रहा हूं ठीक है यू आर यंग पीपल आराम से आपको सब कुछ करना चाहिए पर किसी चीज की प्रायोरिटी होती है बेटा यहां पर अगर आप चैट करोगे यहां पे एक पॉइंट मिस हो जाएगा खैर इस समय तो खैर कोई पॉइंट में आपका मिस होने वाला नहीं बता रहा हूं बट ठीक है अगर कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो जाएगा बहुत नुकसान हो जाएगा एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है खासतौर से मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यू नो बेटर देन मी ठीक है इज इट क्लियर have as वी हैव combat. An academy combat कॉम्बैट इज द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट ऑफ द So सो ahead। हर संडे को होता है अन अकेडमी कॉम्बैट बक्स बाउंड्री चल ही रहा है गलती बताइए इनाम पाइए ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए व्हाट यू कैन डू यू कैन गो इन विद द एवी लाइफ कोड प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगी बेस्ट एजुकेटर्स इंटरव लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड एंड क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड भी है साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में यू गेट पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटीरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस करना क्या है अन अकेडमी लड़ना ऐप को डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल कीजिए गो टू नीट यूजी प्लस और सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास क्लियर हो जाते हैं एवी लाइव कोड यूज कर लीजिए और आपके पास प्लस स्पेशल क्लासेस और क्विजेस के रिवॉर्ड्स हैं क्रेडिट्स हैं यूज टू गेट इट फर्दर डिस्काउंट्स सो यूज इट एंड गेट इट डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल तो जल्दी से ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए एवी लाइव कोड यूज करके और लाइक like और शेयर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ठीक है मिलते हैं साढ़े तीन बजे इन संजीवनी शाम को सात बजे इन स्पेशल क्लासेस टॉपिक वाइज क्वेश्चन और साढ़े दस बजे कौन बनेगा टॉपर में ठीक है तो पढ़ते रहिए अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए सो जाइए लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द कोर्सेस अपने मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए दूर रहिए इन चीजों से कुछ दिन की बात है एक क्वेश्चन भी अगर आपका मिस हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन करके चलते चले जाइए क्लियर हो जाएगा ठीक है कुछ दिन के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए बाकी आप समझदार हैं ठीक है बाय मिलते हैं साढ़े तीन बजे और शाम को सात बजे ठीक है